आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। शुक्रिया साथियों, आज नौशहरा के इस रायपुर किला थराल एरिया में हमारे बीच मौजूद जनाब मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, हमारे बीडीसी चेयरपर्सन श्रीमान खालिद फरदोस साहब, डीडीसी डॉक्टर मनोहर जी, डीडीसी संगीता जी, हमारे गुरुद्वारा के आदरणीय भाई साहब, हमारे जिला की अध्यक्ष मैडम नीना जी, सरपंच जगमोहन कौर जी, यहाँ के सरपंच सरदार कुलदीप सिंह जी, सरदार सरपंच जसवीर सिंह जी, और हमारे यहाँ के बहुत ही होनहार चौधरी सुखदेव जी, नरेंद्र जी, सरदार महेंद्र सिंह जी, और हमारे जो बहुत पुराने यहाँ के मंडल अध्यक्ष सरदार सोरन सिंह साहब, और जितने भी हजरात यहाँ आए हैं, अपने आजी साहब, टाइगर साहब, शुभम जी, परशोत्तम जी, चौधरी साहब, मैनेजर बाबूराम जी, और बिक्की जी, हमारे बड़े मायानास लीडर, और जितने तमाम साथी हजरात, हाजी शफी साहब, मोहतरम जनाब नक्शबंदी साहब, मैं अगर एक एक का नाम लेना शुरू करूंगा तो हमारे सरपंच लोहा कट्ठा के जनाब खलील साहब, मेरे दोस्त सरपंच कुलदीप साहब, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, और यहाँ बड़ी तादाद में आए हुए मेरे साथी दोस्त हजरत। साथियों, मैं आपको दिल की अमीन तरीन गहराई उससे मुबारकबाद देता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ किला दराल रायपुर भाटा रायपुर कमीला की आवाम को, कि जो उनके सपने थे, जो उन्होंने ख्वाब देखे थे, वो आज मोदी सरकार ने पूरे किए। साथियों, आज यहां श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के नाम से जिस पुल का आज नींव पत्थर रखा गया, ये वो जगह है, यहां 2014 में एक बस जो मेरा दोस्त सरदार सुखविंदर सिंह, जिसने उस रोज मुझे भी अपनी बारात में बुलाया था, उनके पिताजी भगत सिंह जी, सरदार भगत सिंह जी, और उस रोज मैंने भी तैयारी की थी कि मैं अपने दोस्त सुखविंदर की बारात के साथ आऊंगा, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा थी और बहुत दुखद खबर मिली कि वो बारात जिसमें खुद सुखविंदर सिंह भी बैठे थे, वो बस उस बारिश और तूफान की भेंट चढ़ गई और 70 से ज्यादा लोगों की जान उस तूफान ने ली। मैं उन पवित्र आत्माओं को आज उनकी याद में अरदास यहां की गई, मैं उनको नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं। एक एक घर में मैं गया, एक एक घर में चार चार लाशें उठाई कंधों पर, वो भयंकर दौर मुझे याद है। साथियों, मुझे याद है उस वक्त हमारे देश के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह बने थे,
जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब थे, राजनाथ सिंह जी दिल्ली से यहां पहुंच गए, हेलीकॉप्टर ने चक्कर लगाया, हवाई हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सकता था, इतनी बारिश तूफान थी, वो श्रीनगर जाके लैंड हुए। इतना दर्द, इतनी तकलीफ उस वक्त दिल्ली के अंदर बैठे मोदी साहब को, राजनाथ सिंह जी को थी। साथियों, में 2014 में एमएलए बना, और जब मैं एमएलए बना, मुझे ये जमीर नाला, इस नाले को जुगल जी जमीर नाला कहते, वो खौफनाक मंजर मुझे यहां के याद थे। मैंने असेंबली के अंदर शोर उठाया, मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट की बोर्ड की मीटिंग में हमेशा इस पुल को बनाने के लिए मैंने लड़ाई लड़ी। जुगल किशोर साहब इसके गवाह हैं, क्योंकि एमपी के नाते ये भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग में बैठते थे। हमने कितनी लड़ाई लड़ी, और साथियों बिलाखर ये फाइल यहां से चली, और दिल्ली के अंदर हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर जनाब राजनाथ सिंह जी ने लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत की मंजूरी देकर इस पुल को बनाने के लिए पैसा सैंक्शन कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत तकलीफ होती है जब हम 2014 के उस मंजर को याद करते हैं, लेकिन यहां के लोगों की डिमांड थी, यहां के हमारे डीडीसी के साथी हमारे सरदार महेंद्र सिंह जी जिन दिनों इलेक्शन लड़ रहे थे उन दिनों ये मेरे पास आए, यहां के हमारे मंडल प्रधान हरजीत सिंह जी, हमारा जनरल सेक्रेटरी हरफूल सिंह जी, हमारे सरदार कुलदीप सिंह जी सरपंच, सरदार जसबीर सिंह जी, सरदार स्वरण सिंह जी, और इन्होंने हमेशा, और फिर जब बीडीसी के चेयरमैन बने एडवोकेट खालिक फरदोस साहब, मुझे याद है डीआरओ के जो डीजीपीआरओ लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश शर्मा साहब, जब हम उनसे मिलने दिल्ली गए, उन्होंने इसका पूरा इतिहास देखा, मैंने हाथ जोड़े, जितने पैसे हैं यहां दीजिए। और साथियों मैं शुक्रिया अदा करता हूं डीजी सुरेश कुमार साहब ने उस वक्त ये फाइल डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजी, फिर इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई, दोबारा से इसकी डीपीआर बनाई गई, और आज के डिफेंस मिनिस्टर जनाब राजनाथ सिंह साहब ने इस पुल को मंजूरी देकर एक बहुत बड़ा काम इस एरिया के लिए किया। साथियों, जब मैं 2014 में एमएलए बना, हालांकि जैसा सरदार महेंद्र सिंह जी ने कहा, इस एरिया से अगर मैं वोट देखता तो बहुत कम थे, चंद लोग थे, ये अजीज शफी साहब, नक्शबंदी साहब, अजीज शबीर साहब, हमारे सरपंच साहब, चंद लोग थे, लेकिन फिर भी आपकी दुआओं से हम जब जीत गए, हमने लगातार कोशिश की कि इस एरिया की डेवलपमेंट होना चाहिए। पहला काम मैंने किया, इस किला दराल के अंदर हाई सेकेंडरी स्कूल दिया, हाई सेकेंडरी स्कूल किला दराल के अंदर जो दिया गया, ये भारतीय जनता पार्टी की देन। लड़ोका संजीव मिश्रा साहब, विक्की शर्मा साहब हमारे मंडल अध्यक्ष, गणेश जी, भारत जी, सरपंच चौहान साहब, इन्होंने मांग की लड़ोका का हाई सेकेंडरी अगर किसी ने बनाया, और रविंदर रैना ने बनाया, किला दराल का हाई सेकेंडरी बनाया, और रविंदर रैना ने बनाया, आपके लिए बनाया,
आपके बच्चों के लिए बनाया। ये बॉर्डर के बंकर, ये बॉर्डर की रोड़े, और यहां कमीला कोट, मैं अक्सर कमीला कोट का जिक्र करता हूं। कमीला कोट एक ऐसा पोलिंग स्टेशन था जुगल किशोर साहब, यहां 2014 के इलेक्शन में किसी ने गलती से भी बीजेपी को वोट, गलती से भी नहीं, लेकिन जब मैं एमएलए बना मैंने देखा कमीला कोट के लोग परेशानियां झेल रहे हैं। 6 करोड़ की सड़क कमीला कोट के अंदर अगर किसी ने पहुंचाई है वो रविंदर रैना है आपके सामने। मेडिकल का हेल्थ सेंटर वहां दिया, लोहा कट्ठा की रोड, वो फॉरेस्ट वाले सरपंच साहब को कितना तंग करते थे, हम खड़े हुए। ये बॉर्डर के ऊपर बंकर ये किसने बनाए, 70 साल यहां बड़ी सरकारें रही, लेकिन ये सरकारें जो पुरानी सरकारें थी, कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने हमेशा लोगों के साथ दगाबाजी की, झूठ, फ्रॉड किया। मैं एक सवाल पूछता हूं, मैंने सुना है कि आज उमर अब्दुल्ला साहब यहां नौशहरा आए, मैंने सुना है, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, उमर अब्दुल्ला साहब जब रायपुर भाटा किला दराल ननियाल इस नौशहरा के 70 लोगों की जान चली गई, यहां बस डूब गई, आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, आपका फर्ज बनता था उस वक्त यहां किला दराल रायपुर भाटा कमीला के अंदर आना। बिल्कुल सही बात। राजनाथ सिंह साहब दिल्ली से यहां आ गए, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने अफसोस किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब ननियाल के सेंटर गुरुद्वारा में पहुंचे, लेकिन उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को एक सेकंड भी उन्होंने यहां के वो लोग जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया उनके लिए आपके पास एक मिनट भी नहीं था। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताओ उस वक्त 2014 में कौन चीफ मिनिस्टर था, बताओ कौन था, क्या चीफ मिनिस्टर का फर्ज नहीं बनता था? 70 लोगों की लाशें यहां गिरी थी, 70 लोग, यहां राजनाथ सिंह साहब आ गए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब आ गए, लेकिन उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जनाब मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब को ताजियत के लिए एक मिनट भी नहीं उनको मिला। और आज वो यहां सियासी रैली करने के लिए पहुंचे, आज 10 साल के बाद उनको नौशहरा की याद आई, कम से कम अच्छा होता यहां आज 10 साल बाद ही आते, लेकिन यहां आके कहते मुझे दुख है 10 साल के बाद भी मेरे दोस्त सरदार सुखविंदर सुखे की याद उनको नहीं आई, 10 साल बाद भी उन 70 लोगों की जिन्होंने उस तूफान का शिकार हो गए उनकी याद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को नहीं आई। यह दुख होता है, तकलीफ होती है, तब जाके ये दर्द भरी बातें निकलती है। खैर, जब सियासत का वक्त आएगा तब ये आवाम सवाल पूछेगी कि आप जम्मू कश्मीर के 6 साल चीफ मिनिस्टर रहे, आपके वालिद मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब कई साल यहां चीफ मिनिस्टर रहे, आपके दादा मोहतरम आजानी शेख साहब यहां चीफ मिनिस्टर रहे, एक काम बताओ
जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने इस नौशहरा के लिए 70 साल में किया हो, एक काम हम हजारों काम गिनाएंगे। रविंद्र रैना हजारों काम गिनाएगा जो मोदी सरकार ने, बीजेपी ने इस नौशहरा में रायपुर भाटा कमीला कमीला कोट लाम लुड़ोका पुखरनी कंपला अंदरूट बगला नारिया चिंगस यहां हमने किए। हजारों काम गिनवा के आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन एक काम बताना पड़ेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को कि आपने 70 साल यहां क्या किया। कम से कम जब 70 लाशें यहां किला दराल के अंदर गिरी थी, कम से कम अफसोस करने आ जाते हैं। इस बॉर्डर के ऊपर जब गोलियां चलती थी और वो गुज्जर लड़की जो बॉर्डर पर गोली लगने से डेथ हो गई, मैंने उसको अपने हाथ से उठाया। आपको याद होगा शफी साहब, गोलियां चल रही थी, क्या गुज्जर क्या बकरवाल क्या सिख क्या हिंदू क्या मुसलमान। साथियों, हम सबको मिलकर एक होकर इस एरिया की डेवलपमेंट के लिए सोचना। यह डेवलपमेंट सिर्फ मोदी सरकार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ये 70 साल ये आजमाए हुए खिलाड़ी हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये आजमाए हुए खिलाड़ी हैं। आज जब यहां भारतीय जनता पार्टी की मरकजी हुकूमत है और जम्मू कश्मीर में एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ढलिया जो सिख और गुज्जर बकरवाल आबादी को जोड़ने वाला पुल है, आज उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया और उसका नाम रखा गया बाबा बंदा सिंह बहादुर ब्रिज। और रायपुर भट्ट इस किला दराल जमीर नाले के इस पुल का नाम रखा गया बाबा गुरु नानक देव जी महाराज ब्रिज। गुरु नानक देव जी के नाम पर इस पुल का नाम रखा गया है। और इसके बाद नुनियाल और मानपुर के बीच में जो पुल बना है उसका उद्घाटन एमपी साहब करेंगे, जिसका नाम संत बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले, उनके नाम पर वो पुल बन के तैयार हो गया है। साथियों, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो, हमारे गुजर बकरवाल हो या सिख भाई हो, मैं आपसे एक हाथ जोड़ के एक बात कहता हूं। आज मोदी साहब ने जो काम किए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। आज गुजर बकरवाल की गाड़ियां कश्मीर जाती हैं। आज जंगल के अंदर रहने वाले गुजर बकरवालों को जमीनों के मालकाना हक अगर किसी ने दिए तो बीजेपी ने दिए। आज इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून किसी ने खत्म किया और गुजर बकरवाल बच्चों को फायदा दिया तो बीजेपी ने दिया। गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों को जबा किया एनसी और कांग्रेस ने, जब काला कानून एसटी के खिलाफ असेंबली में 2009 में लाया था। इन बातों का इनको जवाब देना पड़ेगा। मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, ये डेवलपमेंट के काम हम इसी तरीके से करेंगे। हम आपके साथ पहले भी थे, आज भी हैं और मरते दम तक आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, आजाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, जिंदाबाद, हमारा जिंदाबाद। शुक्रिया, 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 थैंक यू।